रास्ते को हम ये कपड़े भी तन से उतर जाएंगे। हरम से शबे तक कहते दिशा तमे सुबह हम पूछ कर जाएंगे। मुसीबत की रातें बसर होएंगी न रो ये दिन भी गुजर जाएंगे। और ये कहती थी बानो खबर किसको थी, ये कहती थी बानो खबर किसको थी कि अकबर जमा हो गए। दो रंज देते तो कहते थे शाह, दो रंज देते तो कहते थे शाह हम अब फिर के यहाँ से न घर जाएंगे। खुदा तू है शाहिद कि बेजुर्म हूँ, खुदा तू है शाहिद कि बेजुर्म हूँ, छिपेंगे कहाँ और किधर जाएंगे। मिलेगी कयामत में इस खून की दाद, मिलेगी कयामत में इस खून की दाद, बेदर्द तो नहीं जो मुकर जाएंगे। खुदा बात रखे जहाँ में अनीस, खुदा बात रखे जहाँ में अनीस, ये दिन हर तरह से गुजर जाएंगे। नारे पढ़ना लिखना अलग बात है, इल्म हासिल करने में आए थोड़ा खूबी है, मालूम हासिल करना है, लेकिन बयान करना ये आसान बात है। बयान करना ये फन है,
ये एक ऐसी सलाहियत और खूबी है जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से अहले बैत के तुफैल में अता हो। अब ये और बात है कि जो खसूसियात हासिल हो जाती है लोगों को, थोड़ा इल्म हासिल हो जाता है, आवाज दमदार पाटदार होती है, अहले बैत के मानने वाले खुसूस खुशनुमुखी अल्लाह के लिए अपना हर फर्ज अदा कर अपना नजर डालिए। आप गौर करिए तो आजादारी भी पेशा बनते हैं। शायद मेरी बात से आपको आपने मुतफिक ना हो। हर हाल हम मनफी बात नहीं करना है, हम ये मान के चलते हैं वहाँ पर जितने अपराध बैठे हुए उनके दिलों में अहले बैत में इमाम शहदाए करबला महबूब रसूल अहले बैत रसूल की मोहब्बत आपके दिलों में खड़ी हुई। बात इस्लाम की क्यों इकट्ठा हुई है, इन दिनों लाई इस्लाम बहुत मारू पाया है। हमारे आरिफ साहब बयान कर रहे थे, आरिफ बयान कर रहे थे। अजीजों, तारीख को सफ़ात पे रकम किया जाए, तारीख सफ़ात पर कलम किरदार से लिखा जा सके, फजीलत को कलम किताब से नहीं लिखा जाए। जहाँ तक अहले बैत की फजीलत जो शख्सियात हैं जिनके लिए दुनिया का ये ना होते कि दुनिया का सिचुएशन, दीन इस्लाम वाहिद दीन है जो अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह से चलिए अल्लाह जिसको सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन दुनिया में हमेशा बहुत दिन रहे, दुनिया में हमेशा बहुत से दिन रहे। आज भी कितने अध्ययन कितने दिन है वक्त, अब आपने ओवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, अकबर ने भी अपना दिन बनाया, दिन है सूर्य सब की सातवीं आयत पे वक्त है। अल्लाह ताला फरमाता है हुआ लजीना अरसलु रसूलु दीन الحق इन लजीना अरसला रसूलु दीन الحق वलियज़हरु अला दीन कुल्ली वलो करगन का मुशरिकून। वह वही अल्लाह है जिसने रसूल को भेजा दीन हिदायत और दीन हक के साथ, वल्लज़ी रसूल बिलहुदा और दीन हक लियुज़हरु अला दीन कुल्ली वलो करिहल मुशरिकून। बराबर बयान करने मुतालिया करने से, गुफ्तगू करने से, मज़ाकरात करने से आयतें याद हो जाती हैं। कोई आदमी भी बैठता है पढ़ने के लिए तो सोचता खुश है, यहाँ पे तो होना मश्क हो जाता है, तो फिर कोई वो नहीं नोट कीजिए यहाँ बैठा है। बहरहाल हर मुकाम आप कनायतन इशारतन
ये कह सकते हैं कोई आदमी कोई शख्स जिस काम को बहुत शौक से लगातार बहुत दिलचस्पी से करता है, बहुत खुसूसियत से करता है, दिल लगा के करता है, वो उसका दिन हो जाता है। कहते नहीं फला साहब दुकान बंद ही नहीं करते साहब, इनकी दुकान क्या हो गई, इनका दीन हो गया, ये फला कर जा रहा है, ये इतना बड़ा झूठा बेईमान है, झूठ परे हुए बेईमान, इसका दीन हो गया, तो दीन तो हर आदमी। और कलाम पाक में दीन लफ्ज बांध में मरतुआ है, बांध में मरतुआ दीन लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, तो चार मानी में आया। जब आप पूरे हम पढ़ते हैं यहाँ पे दीन जो है जजा के लिए। फिर आप आगे बढ़े सूरा बकर में, जब आप उसकी 172वीं आयत पढ़ेंगे, इब्राहिम बनी व याकूबा या बनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन हक ला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमीन। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुमको दीन इस्लाम के लिए, दीन हक के लिए चुन लिया है, अब तुम मरना तो किसी दिन पे मुसलमान होकर मरना और किसी दिन पे मरना नहीं। यहाँ दीन का जो मफहूम है, यहाँ पे मिल्लत है दीन। फिर तीसरी जगह आया है, तीसरी जगह सूरह यूसुफ जब आप पढ़ेंगे और उसकी 76वीं आयत पे जो आप पहुँचेंगे, नारे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकान लिया खुजा खाहु फिद्दीन मुल्क इल्ला माशाअल्लाह। अब इस साहब ने पढ़ा होगा, बयान होता रहता है, अब इस मुख्तसर बयान में आप लोग से अब हकीर नौजवानों से बच्चों से हम सभी से हाथ जोड़ के अपील करता है मस्जिद हो जाए कलाम पाक। जब तक आप कलाम पाक और कलाम को पाक इतनी अरबी से ग्रामर सीखने के आप कलाम पाक की आयतों को समझें, तब आपको एहसास होगा, तब आपको कुव्वत और ताकत मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। दुनिया की किसी चीज़ में उतना मजाक क्या फर्क है कलाम पाक। मा कान लिया खुदा खाओ फिर दीन मुल्क इल्ला माशाअल्लाह। यहाँ मुल्क फिर दीन मुल्क बादशाह के कानून से हरगिज़ नहीं तुम अपने भाई को बचा पाओगे, भी आमीन बादशाह के कानून से। यहाँ दीन जो है कानून पढ़ दी जाती है मजलिस से, नदीना इंदरदार इस्लाम कदीर प्यार विवाद तहकीक आप खुद पढ़ें, देखें क्या पढ़ा जा रहा है। अफसोस जब होता है कि बड़े बड़े उलमा जो बच्चे बैठते हैं और इराद का कोई ख्याल नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर आप सूरह ज़ुमर पर पहुंचेंगे तो दूसरे पारे में दूसरी आयत में है, इन्ना अंजलना इलैका किताबा बिल हक फअबुद मुस्लिमीना लहु दीन। इन्ना अंजलना इलैका किताबा बिल हक फअबुदुल्लाह मुस्लिमीना लहु दीन। ऐ रसूल, हमने आप पर किताब हासिल कर दी है दीन हक के साथ, आप उसे खुलूस से अल्लाह की बात। यहाँ पे दीन का जो मफहूम है, माना यहाँ पे इबादत
तो बात अभी कही जा रही थी ना, वाला आदमी ये काम करता है, खेती कर रहा है, इसको किसी चीज की वो नहीं है, खेती इसकी। तो हम आजादी कर आजादारी कर रहे हैं, मुहर्रम कर रहे हैं, अभी ये शब आशूरा है, रात बेजारी होगी इंशाल्लाह, तो हम सो पूरी दुनिया से सो महीना आठ दिन सो रहेगा, मजलिसों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर उसके बाद फला साहब की 40वीं मजलिस, फला साहब की सवाब की इसाले सवाब की मजालिस। हम साल भर और मुहर्रम को हम बहुत दिल से मानते हैं, अपनी जान की तरह मानते हैं कि ये मुहर्रम क्या हुआ, हमारे लिए दीन हो गया। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। दीन का मतलब जैसा, दीन का मतलब मिल्लत, दीन दीन का मतलब कानून, और दीन का मतलब इबादत। कहते हैं ना दादागी हमारी दोस्तों, बहरहाल बहुत बेशकीमती वक्त आप लोग यहाँ दे रहे हैं, और ये एक चीज और समझ लें, मैं क्या समझाऊंगा, बात कह रहा हूँ, बात निकल जाती है। तो मेंबर पे बैठना बहुत सोच के बैठना पड़ता, पहले इम्तिहान तो मेंबर बैठने को होता, फिर उस पर जो बयान किया जाए, वो जमाना है आजकल किसी न कोई बार ऐप कर ली, तस्वीर वायरल कर दिया, कितने खतरात पड़ रहे हैं, इन आसानियों में कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी जिल्लतें हैं, ये भी तो सोचिए। मैं घर कह क्या रहा था, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा था। बहरहाल शरा से अजादारी दादेदारी शरा से बड़ी अजीब बात लग रही हो, इसमें हम हनुमा से बात बताएं, शरा से बात मिलाए मोहब्बत। एक चीज होती है वाजिब बात, एक चीज होती है वाजिब बात, वाजिब लाजमी, एक चीज होती है अख्तियार, ये अख्तियारी चीज है, ये अल्लाह ने अपने खास बंदों को यह अख्तियार दिया है, वो अपने ढंग से इस तरह से दीन पे चल सकते हैं, जिन्होंने खून से सींचा है दीन को, उनको कैसे भुलाया जा सकता है। और अब धीरे धीरे के चीज आ रही है जहन में, बात बहुत भुलाने ना करके एक अजीब बात अब देहात कर रहा है, आप लोग को बड़ी अटपटी लगे, इतना आलिम उलमा ज़्यादा जानते बयान करते हैं, अल्लाह जान को मालूम रहता है, या जान पूछे वो डरते हैं कि अगर सामने खपा हो गए तो फिर दोबारा मजलिस में बुलाए देंगे, चला जाए मामला खड़िया। सैयदुश्शोहदा अहले बैत का एक मुकाम है रसूलुल्लाह का, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना الذين يؤذون الله ورسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعن الله في الدنيا والاخره واعدهم عذابا اليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعن الله في الدنيا والاخره واعدهم عذابا ان الله ان الذين يقينا هو لو। अब आप अरबी जब उसकी ग्रामर को पढ़ें दोस्तों, यूट्यूब पे है, उससे शुरू कर दो तो थोड़ा बातचीत करने में मजा आएगा। यकीनन जरूर बजरूर बेशक, उर्दू में तर्जुमा नहीं हो सकता,
زبان دوسری زبان کی نقل بدل رہے ہیں. ایک زبان دوسری زبان کی نقل بدل نہیں. یوزون اللہ, جو اللہ کو تکلیف پہنچائے جو لوگ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائیں, ایزا کریں ان کو, اللہ دنیا میں اور آخرت میں عذاب طے کر دیتا ہے اور بدترین عذاب. اب یہاں سے آپ دیکھیں جس جو لوگ رسول کو تکلیف پہنچائیں گے اور رسول کو تو اللہ کو تکلیف پہنچے گی, اللہ کو تکلیف پہنچے گی تو اس کے لیے طے شدہ عذاب, وہ بچ نہیں سکتا, کوئی بچنے کی کوئی وہ نہیں. اب رسول کو کیا سبب ہو سکتا ہے تکلیف پہنچائے, رسول کی یار کو جو تکلیف پہنچائے تو رسول کو تکلیف نہیں. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے, یہ کسی کہیں بھی آدمی کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے جو خالق کائنات ہے, جو رحمان و رحیم ہے, جو جبار ہے, قہار ہے, وہ فرما رہا ہے جس سے بڑا کوئی عادل نہیں, جس سے بڑا کوئی قوی نہیں, جس سے بڑا کوئی خوبی والا نہیں, وہ فرما رہا ہے. وہ تو عذاب میں جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ کے رسول, رسول کے تکلیف کے فاطمہ کی قسم, جناب فاطمہ کی تکلیف کی سن کر جائے, حضرت علی کو کسی نے تکلیف نہیں, ان کے خاص صاحب کو کسی نے تکلیف نہیں. جس جس کو رسول, اس کو آپ اتنی طرح لے لیں کہ انسان جس کو مانتا اپنے اہل خانواں کے تو تکلیف ہوتی ہے, کسی بیٹے تکلیف ہوتا ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت موٹی عام بات ہے. یہ تو لعنت اللہ دنیا بھی بے اور آخرت میں بھی. تو اب اس کا مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بعض موقعوں پہ ظالموں پہ اللہ ظالم قوم پر لعنت پہ, تو اللہ کے کلام تا ازل سے تعبد کرتے ہیں, کوئی ایک دن کی بات تو ہے, اور ہر ظالم پہ ہے. تو اس کو خود بھی تو غور کرنا پڑے گا کہ ہم بھی تو کہیں نہیں ظلم کر رہے ہیں کسی کے اوپر. بہرحال انسان خطاوار ہے, معافی تلافی کا ہے, چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ معاف کر دی جائیں. ان چھوٹے چھوٹے گناہ لوگ نظرات کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کبیرہ میں بدل دیتے ہیں, تب اس کی دل کے بعد معافی تلافی کو ماننا مشکل ہے. جانے گرامی دین کو امام حسین جایا اپنے گھرواروں کے ساتھ, اپنے اصحاب کے ساتھ, تو یہاں پہ ایک غور فکر کر رہا کہ امام خطیر علم عرفان حاصل, واقعی کربلا کے ہزاروں سال پہلے انبیاء کتاب پڑھیے قصص الانبیاء میں, تو جب ادھر سے گزرے ہیں تو ان کو کبھی ان کی نیمنی سے کبھی کسی چیز سے خوشبو محسوس ہوئے, پتہ چلا کہ یہ کربلا ایک واقعہ ہوگا. یہ تو نوری ہے نا, تو بشیر پیکر میں تو اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے
कहने का मतलब है इमाम का शहीद होना, जानिसार हो जाना, अहले बैत का जानिसार होना एक अजीम खसूसियत है। लेकिन जो उनके असहाब थे, जो और अपने मसाहिर तो करते हैं, इनकी जाबाजी, उनकी कुर्बानी, उनकी ईमानदारी को देखिए, इनकी वफादारी को देखिए, ये तो दूरी नहीं थे। इमाम को तो सब मालूम था क्या होगा। मदीने से जब चले थे हजारों लोग साथ थे, मक्का तक लोग साथ थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मंजिल करीब आती गई, लोग बढ़ते, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए जो यहूदी थे, ईसाई थे, वो जो क्या मैं पढ़ता हूँ वही सुन रहा हूँ। ये कैसे आ गए, इनको जानसारी का कहां से जज्बा आया, कौन ज्यादा बहादुर, ये कम बहादुर माने जाएंगे। तारीफ इनकी है तो अल्लाह भी चुनता है, खास आयते हैं शुहदा के, शुहदा का मकाम बहुत चुना, अपनी जानों को निसार करके आज उनका रकम हो गया नाम की ज्यारत, उनका नाम है जो एक दुनिया दीन दुआ, दुनिया दीन है दुआ, इन्ना रबी रामत पढ़े, यकीनन बेशक बिला शुभा मेरा रब मेरा अल्लाह दुआ को सुनता ही है। अल्लाह की अरबी के कलाम का उसका तर्जुमा वर्मा ने कर दिया, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सही नहीं कहा जाए थे वह तर्जुमा, बड़ी मशक्कत से वर्मा ने इसे अल्लाह को सुनता ही दुआ। तो आज की रात मोहलत मांगी गई थी एक रात की, इस वक्त पूरे क़याम-ए हुसैनी में दुआ हो रही है, नमाज हो रही है, कलाम पाक की तिलावत हो रही है, और प्यास का जो आलम उसको महसूस कर सकते हैं। क्या आलम है, छोटे छोटे बच्चे जब हजरत अलीज़र को देख रही हूँ, सुनू मैं कुछ सुनू जनाब ज़ैनब, क्या मंजर रहा होगा आप सोचिए तो सही। अल-अतश 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 तीन को आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन प्यास की शिद्दत के छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो बच्चे भी रात भर मशगूल दुआ इबादत रहे, सुबह हजरत अली अकबर अजान देते हैं, नमाज के लिए सब बिछाई जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, पहला तीर मुखालिफ की तरफ से आता,
जंग शुरू होती है। बारी बारी से अस्हाब जानिसार हो रहे हैं। अब एक वक्त आता है जब खेमे में गिरियाजारी जारी है। जनाब अली अकबर इजाजत मांगते हैं और निकलते हैं जंग के लिए। जंग करते हैं, बाबा से रुख्सत होते हैं। कई को कत्ल करते हैं भूख प्यास की शिद्दत में। जब प्यास हद से बढ़ती है थक जाते हैं, लौट के आते हैं बाबा जान प्यासा हूँ, बेटा पानी कहाँ से लाऊं, प्यासे तुम भी हो, प्यासे सुराते हैं, प्यासा मैं हूँ। अच्छा नहीं तो अपनी जबान मेरे सामने बैठा, शायद तुमको कुछ तसल्ली मिल जाए, तस्कीन हो जाए। हजरत अली अकबर अपने बाबा की में अपनी जबान को डालते हैं, फौरन निकाल लेते हैं। कहते हैं बाबा जान आप जबान मेरी जबान से भी ज़्यादा खुशतर है। बहरहाल मैं फिर जाता हूँ। हजरत अली अकबर फिर जंग करने गए। एक सिना किसी ने पे बर्छी लगी, पुकारा बाबा आइए मदद को, बाबा आइए। यशोद आ जाते हैं हजरत अली अकबर के करीब, सीने से बर्छी को दिखाते बर्छी के साथ हजरत अली अकबर का लेना निकला, लाश को पहुंचाते हैं। गिरिया उतारी जारी रहता। एक वक्त आता है हजरत पास भी शहीद हो गए, जनाब कासिम भी शहीद हो गए और मोहम्मद भी शहीद हो गए। सबसे आखिर थे हजरत अली असगर के भी बयान शहीद हो गए। आखिर हजरत इमाम हुसैन कुछ जंग करते हैं, लश्कर भाग के कूफे की दीवार से टकरा जाते हैं, फिर थक जाते कहते थकती है एक हद होती है और फिर कुर्बानी निदा आती है। हुसैन अपने तलवार को शमशीर को व्यायाम में रखते रोक देते हैं, जब सारी तरफ से दुश्मन बावर हो जाते हैं, बर्छी मारता है। और जब सैयद शोदा जमीन पे गिरते हैं तो उनका लाशा तीरों पे रहता है। शिमर लेन आता है और जब गले पे छुरी चलाता है, बहन खेमे से जो इंतकाल कर रहे हैं सब गुस्सा। हमारे कौम मिल्लत में जब जंगी पैदा करने पाने वाले नौजवानों को अपने फहम से नवाज जो बेरोजगार हमको रोजे, जो बीमार उनको शिकायत अपनी काम अजाय हुसैन की तौफीक अदा होती और जो पाबंदियाँ हैं वबा की वजह से जो हुकूमत की अपनी हुकूमतें हम देखें
تجھ سے انتظار کیا, امام زمانوں کے ظہور میں تاجلی اور تکبر مقتل
Oh.